हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? मैं दुआ करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे बोल के। तो चलिए, आज मैं फिर एक नए ब्लॉक के साथ आपके सामने आया हूँ। तो जो ब्लॉक का आज नाम है, जो मेरे घर का बोरवेल है ना, वो ख़राब हो गया है। तो परसों मैं नहीं था, वो मेरा भाई उसको निकाल के पूरा बाहर निकाल दिया है मिस्त्री लोगों को बुला के। तो फिर अभी उसको देखेंगे किस तरह से मिस्त्री लोग उसको फिट करते हैं और किस तरह से उस कुएं के अंदर नीचे उतरते हैं और किस तरह से रेडी होने के बाद पानी बाहर आता है, तो उसको आज देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं, देखते हैं किस तरह से काम होता है बोल के। बाहर बहुत बारिश है, इस वजह से मैं गाड़ी में बैठ गई। थोड़ा अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही मिस्त्री लोग आने वाले हैं। आने के बाद वो काम स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं किस तरह से वो काम करते हैं क्या नहीं। थोड़ा देखेंगे, थोड़ा टाइम वेट करेंगे बारिश कम होने के बाद, फिर तो उनको किस तरह से काम लेते हैं वो देखेंगे। चलिए, तो चलिए चलता हूँ। मैं अभी मोटर लाने के लिए जा रहा हूँ गैरेज को, देखेंगे। अभी मोटर रेडी होके रख दिया है तो उसको लेके आने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। यही है जो मोटर मैं अभी अभी गाड़ी पे लेके आया हूँ वर्कशॉप से, अभी बन के रेडी हो चुकी है। तो मिस्त्री आने के बाद इसको, ये दोनों भी स्क्रू दिख रहे हैं ना, ये एक स्क्रू और एक इधर वाला, इसको दोनों को भी खोल के पानी डाल के बाहर से ही चेक करेंगे। तो
तो तभी मालूम पड़ता है चार ठीक है या नहीं है बोल के। देखते हैं क्या क्या करते हैं मिस्त्री आने के बाद। ये जो है अभी ये नीचे का हिस्सा है, ये पानी के अंदर पूरा नीचे जाता है, तो इसके ऊपर का टॉप को भी मैं तुम्हारे दिखाता हूँ। ये अभी उसका टॉप है, ये इसके ऊपर फिट होगा, तो देखते हैं किस तरह से ये लेके उसके ऊपर फिट करते हैं क्या नहीं, सभी मालूमात करते हैं इसके सभी इस टॉप को। इसके ऊपर ये इसके ऊपर ये पूरे सारे पाइप से आ जाएंगे एक के बाद एक फिट हो गए, और एक केबल भी उसमें जॉइंट करके नीचे छोड़ते हैं। रिपेयरेबल क्या है स्प्लेंडर? उस मोटर को पहले इधर ही ऊपर ही बाहर चेक करके स्टार्ट करके देख रहे हैं। ऊपर दो स्क्रू आते हैं चार बोल्ट के आसपास में, वो स्क्रू खोल के उसके पानी डाल के मोटर स्टार्ट करके देख रहे हैं कि मोटर चालू है नहीं बोल के, क्योंकि फिर नीचे उतारने के बाद प्रॉब्लम रहना मोटर नहीं स्टार्ट होना बोल के ऊपर ही चेक करके उसको अच्छी तरह से मूवमेंट हो रहा है नहीं नीचे ऊपर बोल के देख के उसको ऊपर एक के ऊपर एक रख के फिट करके मोटर को दोनों को जोड़ के एक साथ नीचे कुएं उसको कुएं के अंदर उतारेंगे। उतारने के बाद धीरे धीरे वो 10-10 फुट के पाइप है और 20 फुट के पाइप है उसको एक से एक आहिस्ता आहिस्ता टाइट करते हुए नीचे छोड़ते हुए जाएंगे। चलो देखते हैं। इधर वो नीचे एक वाल ऊपर एक वाल रहता है, वो फ्री है नहीं मूवमेंट है नहीं फिरता है कि नहीं बोल के स्कूटर डाल के उसको घुमा के चेक करके देख रहे हैं तो मूवमेंट हो रहा है, तो उसके बाद उसको नट डाल के टाइट कर रहे हैं। मोटर के बीच में वो जाली आती है, उसको जाली को बिठा रहे हैं। वो क्यों बिठा रहे हैं मतलब नीचे उतारने के बाद उसे कुछ मट्टी वट्टी घुस के फिर मोटर ख़राब ना हो बोल के उस कंपनी से ही जाली आता है, उसको जाली को बिठा के उसके ऊपर फिर एक जाली की तरह एक थैली उसको बांध के टेप लपट रहे हैं। लपटने के बाद सपोर्ट के लिए नीचे उस जिस कुएं के ऊपर दो लकड़ी रखे हैं उसके ऊपर, तो उसके बीच में उधर एक इधर लकड़ी रखे उसके सपोर्ट को इधर ऊपर क्लैंप टाइट कर लेके आहिस्ता से उठा के नीचे छोड़ के उसके रख को एक एक पाइप रख के जोड़ते हैं। अभी सारी मोटर रेडी हो गई, तो आहिस्ता से उसको कुएं के अंदर नीचे उतार रहे हैं दो लकड़ियों के सपोर्ट के बीच में। देखिए इधर आहिस्ता धीरे से उसको नीचे उतार के दो लकड़ी के सपोर्ट के ऊपर उसको उस क्लैंप को छोड़ देते हैं, क्योंकि क्यों छोड़ देते हैं मतलब मोटर नीचे डायरेक्ट नीचे ना गिर जाए ना मुश्किल में जाए बोल के,
लकड़ी का सपोर्ट देके उसको दोनों के बीच में रख के और ऊपर जो एक्स्ट्रा पाइप रहता है ऊपर उतना पाइप एक एक पाइप से जुड़ाते हुए वैसा ही वो क्लैंप को फिर नीचे से फिर ऊपर करते हुए फिट करते हुए वो जिधर 10 फीट का केबल होता है उधर उसको फिर उसको वही केबल को टेप मार के छोड़ देते हैं एक के बाद एक फिर रिपीट वैसा ही होते हैं जितना पाइप रहता है उस तो वो पाइप लास्ट पाइप तक उसी के हिसाब से वो काम करते हुए टेप लगाते हुए ऐसा भी केबल के पास 10 फीट के हिसाब से ख़त्म होता है एंड और टॉप आता है उसको रखे फिर उसको टाइट करके फिर लूज करके ऊपर फिर नीचे ऐसा रिपीट करते हुए जाते हैं तो उसके हिसाब से काम स्लोली धीरे धीरे एक से एक पाइप फिट होते होते एंड तक चला जाता है। अभी धीरे धीरे काम चल रहा है एक के बाद एक फिट कर रहे हैं धीरे से उसको धीरे धीरे से नीचे उतार रहे हैं पकड़ के उसको। माशाल्लाह हमारे जिस बोरवेल कुएं के अंदर पानी ऊपर ही है 10-15 फीट को पानी नज़र आ रहा है तो इधर फिर ऊपर का पाइप उधर रेडी कर रहे हैं तो उसको हिसाब से लाके अच्छा इस तरह से उसको घुमा के बाद में पानी से टाइट करके उसको फिर नीचे फिर लूज़ करना फिर खोलना ऐसा किया जाता है उसको। जितना हम समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है मोटर को रेडी करके नीचे उतारना मगर कम से कम इस काम करने वाले 4 से 5 लोग वो लोग रहे तो जो जिसको उसके बारे में मालूम आते हैं वही लोग काम कर सकते हैं। हमारे जैसे लोग जाके पकड़ेंगे खींचेंगे बोले तो नहीं होता फिसल गया तो उंगली कट जाती है बहुत तो संभाल के उस से करना पड़ता जिसको मालूम है उसी को ले के आके इस मोटर को उठवाना हो रिपेयरिंग करवाना हो तो उनसे ही करवाना हम खुद खींचने जाना नहीं क्योंकि बहुत मुसीबत हो सकती है। जिसको उसके बोरवेल के बारे में मोटर के बारे में पता है कैसा धीरे से निकालना है उसको वापस धीरे से फिट करना है उन्हीं लोगों से काम लेने बहुत बेहतर है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम होगा नीट होगा। अभी जो ये उतार रहे हैं आखिरी पाइप है हमारा आखिरी पाइप उतारने के बाद इसको पूरा फिनिश करके उसको नीचे छोड़ के फिर वापस उसको वाल को जॉइंट करके वायरिंग कर लेके उसको मोटर चालू करने का प्लानिंग है। एंड को जो एंड है नॉब है ना ऊपर बेंड है लास्ट आखिरी वाला है इसको से थोड़ा रस्सी से बन के नीचे छोड़ के उस वाल को जॉइंट करने के बाद वायरिंग कर लेने का है सेटिंग कर रहे हैं उसको नीचे सेटिंग करने के बाद जॉइंट करके कंप्लीट करते हैं। आखिरकार ख़त्म हो गया कंप्लीट होने को आया है तो अभी लास्ट इनके 3 वायर है येलो रेड ब्लू फर्स्ट रेड लगा के बाद में येलो लगा के ब्लू लगा के ख़त्म होने के बाद स्टार्ट करके चालू करके देखने का है तो अभी आखिरी वायर जो है वो जुड़ा रहे हैं उसके अंदर येलो भी फिट हो गया है ठीक ठाक उसके बाद ब्लू वाले वायर को जोड़ देंगे जोड़ने के बाद उसको फुल अच्छी तरह टाइट करके चेक करके मोटर स्टार्ट करके देखेंगे तो पता चलेगा मोटर रेडी हो गया पानी आ रहा है नहीं आ रहा है बल्कि अभी मोटर स्टार्ट कर रहे हैं इधर स्टार्ट करने के बाद मैं अभी थोड़ा नीचे जाके जा रहा हूँ तो माशाल्लाह पानी तो बहुत ज़ोर से बहुत अच्छा आ रहा है पानी तो हमारा